हेलो रिवान असलम आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑफ ए आर सी एस जे के पी एस सी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है जो प्रिसाइसली कल होने जा रहा है बारह से दो बजे तक का ये पेपर होगा दो घंटे का पेपर है uh, बहुत सारी बच्चों ने मैसेज की कि एक लास्ट मिनट वीडियो बनाएं आप uh, कि हमें एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए ना अभी सैटरडे है कल आपका संडे होगा और कल आप ये एग्जाम देने जाएंगे आप इस एग्जाम के लिए पिछले चार पाँच महीनों से पढ़ रहे हो फाइन तो वी नो दैट द डेडिकेशन दैट यू यू हैड फॉर दिस एग्जाम एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन फॉर दिस एग्जाम एज वेल एज इस एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ी जो काफ़ी नई चीज़ें थी आपके लिए भाई ना इनफैक्ट इनफैक्ट वो चीज़ें जो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ी होंगी अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड किसी ने तो पॉलिटी नहीं पढ़ा था इस तरीके से जिस तरीके से उसको ए आर सी एस में पढ़ना पड़ा फिर भी कुछ हमने नई चीज़ें इसमें सीखी आपको सिखाई और हमने काफ़ी इसमें एफर्ट्स डाले आपने उससे भी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हमसे भी ज़्यादा एफर्ट्स डाले सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर चूजिंग क्विंटेसेंस आई होप दैट जो जर्नी हमने पाँच महीने पहले शुरू की थी आई होप के आप लोगों को अपना वैल्यू मिल गया होगा वेन वी वर प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग दिस ए आर सी एस कोर्स यू नो बिकॉज इट हैज़ ह्यूज सिलेबस और हमें चार पाँच फैकल्टीज को लाना था एंड फॉर दैट यू नो द कॉस्ट इज अगेन ह्यूज बिकॉज यू नीड अ स्टूडियो एंड यू नीड ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड दैट बट बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ कोविड और कोविड में वी हैव सीन दैट द टोल द स्टूडेंट्स हैड टू यू नो द टोल इट हैड ऑन स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को कितना सफ़र होता था डेली डेली बच्चे बच्चों के साथ मेरी बातें होती थी कि अरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कंटिन्यू प्रॉब्लम सुनते जाते हैं एंड इट इट इम्पैक्ट्स यू जैसे फॉर एग्जांपल आप खुशी की खबर सुनते हो तो आपके अंदर भी वो खुशी आ जाती है लेकिन जब आप कंटिन्यूसली ये सुनते रहते हो प्रॉब्लम्स क्या क्या है सो इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स यू तो ंग दैट वी डिसाइडेड कि हम इसका बहुत ही मिनिमम फी रखेंगे सो वी डिसन ट्रिपल नाइन जो आपको पता ही है कि आपने बहुत सारे लोगों ने एस आई पी पे, पे किया फिर फाइनली uh, जब एग्जाम नज़दीक आया तो इसको और रिड्यूस किया गया तो वन ट्रिपल नाइन वे वी स्टार्ट दर्स जिसमें लगभग इतने सारे वीडियोज़ आए और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कम्प्लीट किया हमने देन दिस प्रिसाइसली आई जस्ट वॉन्टेड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू कंटिशन और हमारे साथ आप जुड़े रहे कंटिन्यू जुड़े रहे और आपके कंटिन्यूस फीडबैक की वजह से हमने और इम्प्रूव किया एंड दैट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस एज़ वेल और क्योंकि बहुत सारे बच्चे यू नो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और उनकी उनकी उस उस उनकी उस स्कीम की वजह से उनके उस तरीके की वजह से हम भी और मोटिवेट होते हैं कि नहीं वी हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स और फिर काफ़ी सारे लोगों ने प्रेस भी किया और उनके लिए भी काफ़ी थैंक यू यू नो वी टेक द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम बिकॉज इट इम्प्रूवस इनफैक्ट आई वाउच फॉर इट कि मैं उन स्टूडेंट्स को प्रिसाइसली ज्यादा अपने नज़दीक रखता हूँ जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ना कि जो बस तारीफ करते हैं बिकॉज तारीफ से आपका कुछ होने वाला नहीं है हाँ अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो जो कंस्ट्रक्टिव होगा वो आपको इम्प्रूव करता, करता है वो आपको इम्प्रूव करता है सो so, वो मैं ढूंढता रहता हूँ कि और क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए हाउ टू बी मोर बेनिफिशियल एंड हाउ टू प्रोवाइड मोर वैल्यू उसके अलावा कल आपका अब एग्ज़ाम होगा कल एग्ज़ाम में आपको क्या करना चाहिए देखिए क्योंकि एम सी क्यू बेस्ड है प्रिसाइसली आपको आ, आपका वो पेपर दिया जाएगा यूल हैव टू यू नो वो आपको मार्क करना है आपके ओ एम आर शीट पर ऐसे ऐसे तो आ, मेरे लिए क्या वर्क किया है मैं आपको ऐसे बताऊँगा Uh, मैं हमेशा जब अपना पेपर सॉल्व करता हूँ तो उसमें दी ओनली थिंग दैट आई टेक केयर ऑफ इज कि मे, मे, मुझे ये करने में ज्यादा टाइम ना लगे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसमें क्योंकि आप ये ऐसे कर रहे हो यू हैव टू इट फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पे ये आपका ओएमआर शीट होगा फाइन तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर यहाँ पर ये ये फिर से निकाल रहे हो और यहाँ पर आप अपना ऑप्शन मार्क कर रहे हो फिर आप वापस जा रहे हो दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे फिर आप वापस इस पे आ रहे हो एक और मार्क कर रहे हो तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तो वट आई डू इज़ टू मेक यू एफिशियंट यूज़ ऑफ द टाइम वट आई डू इज मैं पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड क्वेश्चन है तो हंड्रेड क्वेश्चन में मैं पहले वो क्वेश्चन कर लेता हूँ बड़े ही अच्छे से जो मुझे आ जाते हैं फाइन तो सपोज हंड्रेड क्वेश्चन में से मुझे चालीस पैंतालीस क्वेश्चन आ गए जिनका जवाब मैंने निकाल लिया कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे होता है क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर ऐसे फॉर एग्जाम्पल तो मुझे पता है इन तीन इन चार क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन जो है मुझे वो अच्छे से आ रहे हैं और मैंने उसका जवाब निकाल लिया है तो मैं इसको टिक मार दूँगा इधर और इसका मुझे आंसर मैंने उधर ही क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पर ही आंसर टिक कर लिया अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है फाइन या कोई मुझे बिल्कुल भी नहीं आता अब जिसपे मुझे डाउट है या जिसमें मैं चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ लेकिन दो एलिमिनेट दो में से एक एलिमिनेट नहीं कर पा रहा इसमें मुझे डाउट है तो उसको मैं ऐसा एनसर्कल कर लूँगा फाइन और जिसमें से मुझे चारों में से किसी में भी आइडिया नहीं है तो वो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए तो एक तो हो गया जिसमें मैंने टिक कर रखा है टिक करके यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दूसरा हो गया जो इनसर्कल करके रखा है जिसमें चार ऑप्शन थे चार में से दो एलिमिनेट हुए हैं एक एलिमिनेट हुआ है लेकिन इस पर और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इसीलिए ये जीरो होगा इसको मैंने ऐसे नो एनसर्कल किया है और कुछ हो गया जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है वो आप खुले से छोड़ दीजिए अब यहाँ पर अगर मुझे चालीस से पैंतालीस सवाल आ रहे हैं है, जिस जिसपे मैंने टिक साइन किया है जब मैं ये चालीस से पैंतालीस सवाल पूरे टिक कर लूँगा पूरे पेपर को हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चन पढ़ लूँगा तब तक मैं ओ शीट को हाथ भी नहीं लगाता हूँ फाइन तो आपको भी ओ शीट को तब तक हाथ नहीं लगाना है आप पूरा ये हंड्रेड का हंड्रेड क्वेश्चन पढ़ लो जिसमें से आपको चालीस पैंतालीस सवाल तो आ जाना चाहिए तो चालीस पैंतालीस सवाल जब आप कर लोगे आपने उसको टिक मार ली और आपको आंसर मिल गया उसके बाद ओ एम आर शीट निकालो और ये चालीस जो पैंतालीस सवाल है इसको आप आप मार्क 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 करने लगो फाइन जो भी जैसे भी जैसे करोगे तो तो उसको अच्छे से करो एक ही साथ जस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चन फिर जाके मार्क करो फाइंड आउट क्वेश्चन उसको मार्क करो फिर आप फिर से अपने पेपर पे आओ ये जब आपने कर लिया फिर आप फिर से अपने पेपर पे आओ अब आप सेकेंड टाइम जब रीडिंग करोगे तो आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं फाइन ये जिनमें आपको और जरा स्ट्रेस देने की जरूरत है

उसके बाद आते हैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड अगर इस तरीके के क्वेश्चन दस पंद्रह है दस पंद्रह क्वेश्चन इस तरीके के हैं जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है ऐसे क्वेश्चन को मोस्ट रोबली छोड़ना चाहिए फाइन अगर सौ क्वेश्चन है तो योर आइडियल अटेम्प्ट हैज़ टू बी एटी फाइव से नाइन्टी एटी फाइव से नाइन्टी आपको अटेम्प्ट करन, करना चाहिए दस से पंद्रह क्वेश्चन जिसमें कोई भी आइडिया नहीं है जिसमें इनफैक्ट सेवेंटी फाइव परसेंट चांस है कि आप गलती कर लोगे तो उसमें दस से पंद्रह क्वेश्चन अगर है तो आपको छोड़ने चाहिए लेकिन मेजॉरिटी अगर एटी फाइव तक आप कर पा रहे हो जिसमें से फोर्टी फोर्टी फाइव आपके इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने अच्छे से आंसर निकाल लिया है उसके पास बीस तीस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने और सोच के उसका जवाब निकाला है कुछ में से इंटेलिजेंट गेस किया होगा नो no डाउट उसमें बहुत सारे सवाल गलत ही हो जाएंगे पर उसकी जब आप एवरेज निकालते हो ना एक क्वेश्चन की तो माइन जीरो पॉइंट माइनस टू पॉइंट टू फाइव है ऐसे ही जब आप ऐसे ही चार क्वेश्चन करोगे तब आपका एक मार्क्स खत्म होगा यानी जब आप चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे चार के चार अगर गलत हो गए तब आपको एक मार्क्स कम हो जाएगा फाइन लेकिन चार के चार गलत होना जरूरी नहीं है प्रॉबीबिलिटी है कि आप चार में से एक भी ठीक कर पाओगे अगर चार में से एक भी ठीक हो गया तो आपका नेट स्कोर पॉजिटिव में आ जाएगा फाइन तो आपको अटैम्प्ट ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा करना है लेकिन जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है जिसने साठ पैंसठ सवाल सत्तर सवाल जिसने अच्छे से कर लिए हैं उसको ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए लेकिन जिसके कम ही स्कोर आ रहा है फोर्टी फोटी फाइव अच्छे से कर लिया दस बीस और अच्छे से कर लिए क्योंकि फिर भी उसको लग रहा है कि भाई मैं कट ऑफ से पास नहीं जा रहा हूँ बिकॉज़ अगर आप सिक्सटी अटैम्प्ट हो तो ज़रूरी नहीं है सिक्सटी में से सिक्सटी ठीक हो जाए उसमें से काफ़ी गलत भी होंगे तो वो आपका नेगेटिव चला जाएगा फिर तो आपको मैक्सिमम फिर उस केस में मैक्सिमम आपको अटैम्प्ट करना है एटी फाइव नाइन्टी तक अटैम्प्ट कर लो एटी एट अटैम्प्ट कर लो और ऐसे क्वेश्चन में कोई भी आइडिया नहीं है अगर ऐसे दस सवाल है पंद्रह सवाल है उसको छोड़ दो ठीक है लेकिन अगर ऐसे सवाल इतने सारे हैं लगभग बीस से तीस सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है देन यू कॉन्ट लीव दैट अब तीस सवाल इज लाइक नो ह्यूज तो तीस सवाल अगर ऐसे हैं जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है जस्ट अटेम्प्ट एट ऑल देन यू माइट नॉट यू नो क्रॉस द कट ऑफ इन दैट केस जस्ट अटेम्प्ट एट ऑल पूरा पेपर कर लो एंड बिकॉज इन एनी वे यूल नॉट बी एबल टू क्वालीफाई द कट ऑफ ऊपर नहीं जा पाएंगे इसीलिए बेहतर है कि पूरा जुआई खेल लो और सारा अटेम्प्ट कर लो दिस इज द वे द लास्ट मिनट दैट हाउ टू चूज दिस तो पहले ही एक एक सवाल करके फिर एक एक बार इसको मार्क करके ऐसा नहीं करना चाहिए पहले आप अपने सवाल कर लो चालीस पैंतालीस सवाल जितने आपको आ रहे हैं फिर जाके उन सबको एक साथ मार्क करो फिर आपको बीस तीस सवाल करने होंगे जो ऐसे होंगे बीस जो जिसमें आपको और सोचना है तो उसको उसको सब कुछ सोचिए फिर से अटैम्प्ट करो और फाइनली जो आपके ऐसे सवाल होंगे जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो अगर वो ज़्यादा सवाल है वैसे तो फिर जाके उसमें भी अटैम्प्ट कर लो ठीक है तो ऐसे तीन हिस्सों में अपने पेपर्स को डिवाइड करना है तो ये तो हो गया ऐसी बात और फाइनली अपने आज जब आप सोएंगे अच्छी खासी नींद करना बिकॉज अगर आपकी नींद कम हो जाती है मेमोरी पे असर पड़ता है नींद अच्छी करो ओके okay? और नींद जब अच्छी होगी कल इंशाल्लाह अच्छे से याद पड़ेगा आपको कि क्या, क्या क्या पढ़ा था मैंने और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ज़्यादा अपने दिमाग को असर नहीं करना दिमाग पे जोर नहीं डालना कि वो रिवाइज़ करना है ये रिवाइज़ करना ये रिवाइज करना है अब जो आपने कर लिया है बस वो आपने कर लिया है अब आज के दिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप शाम को अच्छे से सो जाना एक अच्छी सी आठ दस घंटे की नींद कर लेना फ़ाइन और सुबह अच्छे से हाथ में धो के अच्छा ब्रेकफास्ट करके निकल जाना और फील कॉन्फिडेंस यू नो बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत होती है कि दे डोंट फील कॉन्फिडेंट अभी जो रिसेंटली हुआ है के एस का एग्ज़ाम जो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आए थे वो इतना ज़्यादा यू नो वो डर में थे कि हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए फाइनली उनका नहीं हुआ लेकिन वो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था आखिरी पाँच दस दिन ऐसे ही देख लिया था एंड आई नो दो सच पीपल जिन्होंने किया क्वालिफाई इस इस बारी का केस का और वो क्यों किया बिकॉज उनको पता था यार वी हैव नथिंग टू लूज पांच दस दिन ही पढ़ा हमने तो कुछ जाया होगा नहीं हमारा तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में एग्जाम दे दिया और कॉन्फिडेंस में आपका दिमाग सही सोचता है और आपने सही जाकेट टिक मारी तो फील कॉन्फिडेंट इनशाला आपने जो पढ़ा है आपसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा होगा और कहीं से उन्होंने कोई नया मटीरियल नहीं लाया होगा बिकॉज वट वी हैव स्टडीड इज दाइस्ट मटीरियल इज राइट तो हमने जैसे करंट विजन से पढ़ा उससे ऊपर क्या ही पड़ेगा इंसान और जैसे फॉर पॉलिटी हमने वो फादिया से पढ़ी आपने रीजनिंग अमृतसर से पढ़ी कोपरेटिव में जितना जो था सब कुछ डाल दिया आपके साथ तो वो सब तो सब आपने पढ़ लिया है उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पड़ेगा किसी को कुछ खास पता नहीं है एग्जाम के बारे में फाइन तो बी आई हैव टू फील वेरी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस में आप अच्छा कर तो आप रख लो कि भाई मुझे पता है और मैं कर लूँगा और अगर नहीं भी होगा तो विल डू समथिंग बेटर बट फिलहाल ये एग्जाम है और ये कर लेना है आपको यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट इनशा उसमें बेहतरी होगी और आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग फॉर द कैंडिडेट्स जिनका भी क्वालिफाई होगा इनशा और वो उन जस्ट कॉन्टेक्ट गाइज वी वॉन्ट टू गेट इन टच और उसके बाद वी आर प्लानिंग ऑन अ फ्री मॉक ऑन अ फ्री मॉक इंटरव्यूज आप सबके साथ मॉक uh, इंटरव्यूज करेंगे अब और जिसके लिए हमने पैनलिस्ट uh, बुलाए हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट जिसमें आपको थोड़ा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको गाइडेंस की जाएगी कि कैसे कैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रखनी है दिमाग में जब आपका इंटरव्यू होगा फाइन सो वी आर प्लानिंग ऑन दैट सो मस्ट बी रेडी फॉर दैट और ये मॉक इंटरव्यूज आपको हेल्प करेंगे फिर के इसके लिए भी तो दिस वॉज इट फ्रॉम मी थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एंड आई होप आई होप दैट वी वर एबल टू प्रोवाइड यू द वैल्यू दैट यू ऑल डिजर्व Thank you so much. God bless you. Bye-bye.